वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं नाज़रीन? आप अल्लाह आपको ठीक रखे, खुश रखे। अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत भरी ज़िंदगी अता फरमाए। मैं आपका मेज़बान हकीम हशमुद्दीन सलमानी, साबरी सन्यासी नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक खांसी का बहुत ही अच्छा और सस्ता घरेलू इलाज। मैंने पहले भी खांसी नज़ले के ऊपर एक दो वीडियो डाली है, तो आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ और इसके अज्जा की तरफ। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी चीज़ आपने लेनी है, हर घर में मिल जाती है, यानी काली मिर्च। मेरे पास डब्बा है, ये इसके अंदर काली मिर्च है। काली मिर्च लेनी है आपको, गोल गोल सी आती है छोटी छोटी। और ये लेनी है छोटी पिपल, इसको मगा भी बोलते हैं और फिलफिल दराज भी बोलते हैं, छोटी पीपल भी उसको बोलते हैं। छोटी पीपल लेनी है, ये मसालों में यूज़ होती है। और ये काली मिर्च का आपको सबको पता ही है, यानी फिलफिल सिया भी इसको बोलते हैं। तो आपने ये बराबर वज़न ले लेनी है, क्या है तो 10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें या 50-50 ग्राम ले लें, ठीक है। और इसको बारीक जितना चाहे महीन करके, बिल्कुल जितना बारीक होगा उतना बेहतर है, बारीक करके पीसें। और इसमें शहद मिला के इसकी छोटी छोटी गोली बना लें। और कैसी खांसी हो और बलगम जा रहा हो, दम्मा ना बैठ रहा हो, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, इसको सुबह दोपहर शाम खाने के बाद गर्म पानी से आधा पौन घंटे बाद एक गोली दें। और हल्की फुल्की हो दो टाइम दे सकते हैं। और वैसे हल्की फुल्की जो खांसी है इब्तदाई उससे दो एक खुराक में इंशाल्लाह अल्लाह करम कर देगा। ये बिल्कुल खांसी के लिए बहुत ही मुफीद और मुजर्रब दवा है, बनाएं और दुआ में याद रखें। और एक बात और कि जिन लोगों को पीला बलगम आ रहा हो वो इस दवा को यूज़ ना करें, ठीक है। बिल्कुल पीला पक